वो अकेले दम पर कई ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले बाएं हाथ के धुरंधर बल्लेबाज गौतम गंभीर के संन्यास की घोषणा के बाद क्रिकेट जगत में मायूसी छा गई है। वहीं गंभीर के इस ऐलान के बाद सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा समेत कई दिग्गज क्रिकेटरों ने उन्हें महान खिलाड़ी बताते हुए शुभकामनाएं दी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने गौतम गंभीर के संन्यास पर कहा कि यह एक शानदार सफर रहा, देश ने आपके साथ कुछ यादगार पल जिए हैं, आपने जिस तरह से खेल को खेला है आप उस पर काफी गर्व महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा रोबिन उथप्पा ने भी उनके रिटायरमेंट पर कहा कि मैं क्रिकेट से रिटायरमेंट पर विश्वास नहीं रखता, लेकिन फिर भी मैं आपको अगली पारी के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान शाह ने भी गंभीर को विदाई पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपके आगे के जीवन के अच्छे भाग्य और खुशी की कामना करता हूं। जबकि टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज रोहित शर्मा गंभीर की संन्यास के फैसले से काफी दुखी हैं। हिट में रोहित शर्मा ने गंभीर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनकी यादगार यात्रा के लिए सराहना की। रोहित शर्मा ने गंभीर के संन्यास पर लिखा कि आपके साथ और आपके खिलाफ खेलना मेरे लिए सम्मान की बात है, एक असाधारण करियर के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। वहीं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी गौतम गंभीर की तारीफ करने से अपने आप को नहीं रोक सके। तेंदुलकर ने गंभीर को संन्यास की शुभकामनाएं देते हुए ऐसी बात लिखी जिसे सुनकर प्रत्येक भारतीय क्रिकेट प्रेमी गदगद हो गया। आपको बता दें कि तेंदुलकर विश्व कप फाइनल में गंभीर के योगदान को स्वीकार करना नहीं भूले। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि अधिकांश लोग श्रीलंका के खिलाफ 2011 में उस फाइनल में महेंद्र सिंह धोनी के 91 रनों के बारे में बात करते हैं, लेकिन गंभीर के 97 रन थे जिन्होंने वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर के जल्दी आउट होने के बाद भी पूरे खेल में भारत को आगे बनाए रखा।